शंघाई में दम घुट रहा है। चोंकिंग शहर में यमदूत, बीजिंग के शमशान में जगह नहीं। ये तीन अलग अलग तस्वीरें चीन के उस नरक की हैं, जहां लोगों की जान बचा पाना किसी के बस की बात नहीं दिखती। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, कोरोना की चपेट में आए इन लोगों के साथ किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चीन में हालात एक बार फिर बिगड़ते जा रहे हैं। चीन का हेल्थ सिस्टम क्रैश हो चुका है। कोरोना हैवान बनकर शंघाई के हेल्थ सेंटर से लेकर बीजिंग के शमशान ग्राह तक तांडव मचा रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन चीन की सरकार की चूक के चलते जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक एक कर तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें बस कुछ हकीकत बयां कर रही हैं। शंघाई जिंगपिंग हेल्थ सेंटर के तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि शख्स बिस्तर पर लेटा है, छटपटा रहा है, पैर पटक पटक कर चीख रहा है। यहीं कॉरिडोर में एक महिला जमीन पर बदहवास पड़ी है, जबकि यहां से बाहर भाग निकलने की छटपटाहट में यह महिला दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनके कोई सुनने वाला नहीं। शंघाई जिनशान हेल्थ सेंटर में इन्हें टेस्ट के नाम पर बंदी बनाया गया है। इन्हें 2 बार कोरोना नेगेटिव का टेस्ट पास करना है, लेकिन इस दौरान ये बुरी तरह टूट चुके हैं। इनसे टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ये है चीन के नरक की दूसरी तस्वीर, जहां इस महिला का दम घुट रहा है, सांसें फूल रही हैं। हालात ये हैं कि इस महिला की चीखें डॉक्टरों के कानों तक नहीं पहुंच रही, मानो यहाँ डॉक्टर नहीं या दूत घूम रहे हों। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये बेहोश हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें चीन के चोंकिंग शहर की हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें बीजिंग के एक शमशान की बताई जा रही हैं, जहां ये लोग डर के साए में जीने के साथ साथ अपनों को भी एक एक कर खोते जा रहे हैं। यहां काम करने वाले लोग भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि चीन में जिंगपिंग सरकार बेकाबू हालात के कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। हालात ये हैं कि दवाइयों की कालाबाजारी ने भी हालात बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दवाइयों की कीमत 200% तक बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक चीन में एक इंजेक्शन के दाम 100% तक बढ़ चुके हैं। बुखार की दवा के दाम कई गुना बढ़ गए हैं।
जाहिर है चीन दुनिया में आंख दिखाने के लिए सारे हथकंडे अपनाता है, लेकिन अपने ही देश में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग नजरें चुरा रहे हैं। उन पर अब लगातार इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। लोग कोरोना को काबू करने में फेल हुए जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। साफ है चीन में 2019 के बाद से एक बार फिर 2022 जाते जाते महामारी अपने चरम पर पहुंच रही है। आपको यह भी बता दें कि चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई हुई थी, कई शहरों में लॉकडाउन लगाया हुआ था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया और हालात बदतर होते चले गए। कोरोना पर जिनपिंग का सफेद झूठ सामने आने के बाद जिनपिंग के इस्तीफे की लगातार मांग उठ रही है। इस बीच लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिट का दावा है कि चीन में रोजाना 10 लाख कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, साथ ही 24 घंटे में 5,000 मौतें हो रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो जनवरी में डेली केसेस बढ़कर 37 लाख के पार पहुंच जाएंगे, वहां मार्च में यह आंकड़ा 42 लाख हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद चीनी सरकार ने एयर ट्रेवल पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, जबकि चीन के हालात पर नजर रखते हुए भारत पूरी गंभीरता से नजर बनाए हुए है। इसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना का सबसे खतरनाक अवतार ओमिक्रॉन, नए सब वेरिएंट BF.7 भारत में भी दस्तक दे चुका है, जबकि जानकारों के मुताबिक हालात चीन जैसे नहीं है। भारत में नेचुरल इन्फेक्शन के कारण और वैक्सीन के कारण जनरल पॉपुलेशन में काफी हद तक इम्यूनिटी है और इसलिए हमारी सिचुएशन पहले से बेहतर है। दूसरा, उनकी वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में भी हमें आइडिया नहीं है कि वो वैक्सीन कितना कामयाब है न्यू वेरिएंट्स के अगेंस्ट, और इसलिए मुझे लगता है कि चाइना में केसेस भी बढ़ रहे हैं और एडमिशन भी बढ़ रही है। भारत सरकार युद्ध स्तर पर हालात को बिगड़ने देने से पहले ही कई कदम उठा रही है। जाहिर है चीन एक बार फिर दुनिया के लिए नई मुसीबत खड़ी करता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इससे ज्यादा अफसोसनाक भला क्या हो सकता है। यहां चारों तरफ लाशों का अंबार लगा है, सारी मौतें कोविड के नए कहर से हुई बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लाशों की ये तस्वीरें चीन की सरकार की चूक का जीता जागता सबूत हैं। चीन में वुहान से शुरू हुआ संक्रमण 2020 में नए कहर को ला चुका है। नतीजा यह है कि चीन के शहर शहर राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, और चीन के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग इस तरह जोर पकड़ रही है। शंघाई, वुहान, उर्मुकी, जेंगदू और ग्वांगझू सहित पूरे चीन में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं। यहां बड़ी संख्या में युवा शी जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरी ओर चालबाज चीन को अब भारत से सीखने की जरूरत है, क्योंकि भारत कोरोना के ताजा हालात में भी पूरी तरह चौकन्ना है। भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। वन ट्यूब दिल्ली के सर्वे के मुताबिक पाबंदियां हटाए जाने के बाद चीन के ज्यादातर इलाकों में कोविड इन्फेक्शन अचानक बढ़ा है। ये सर्वे 517 लोगों पर किया गया था, इनमें 73% मेल थे। इनमें 35% की उम्र 31 से 50 साल के बीच है। सर्वे में शामिल 50.3% लोग संक्रमित मिले, इनमें से 49.4% को दिसंबर में संक्रमण हुआ है।
साफ है कि चीन की सरकार ताजा हालात को समझ नहीं पाई और अचानक जीरो कोविड पॉलिसी छोड़कर वहां की जनता पर नई मुसीबत ला दी। हालांकि चीन की सरकार दावा कर रही है कि वो हालात काबू में कर लेगी। लेकिन बावजूद इसके खबरों के मुताबिक शी जिनपिंग के प्रतिद्वंदी राजनीतिक तख्ता पलट कर सकते हैं क्योंकि अब यहां की जनता के लिए नरक जैसे हालात हैं और जिनपिंग के पास कोई जवाब नहीं है। जब हमने इंडिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था तो हमने भी अलग अलग तरह की वैक्सीन ली थी और ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स हमने ये डिसाइड किया कि हमारे लिए कौन सी वैक्सीन अच्छी हैं। हमने एज अ कंट्री उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया बहुत ही कह लीजिए कि तत्परता से और फोकस के साथ। अब आपको बता दें कि आखिर भारत में चीन जैसे हालात क्यों नहीं हो सकते, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ वैक्सीन अभियान हो या फिर लॉकडाउन जैसे सख्त नियम लागू करना, लोगों को जागरूक किया गया और पूरे हेल्थ सिस्टम कोरोना के कहर को मात देने के लिए लगातार काम कर रहा है। आज के टाइम में तो आपको जितना प्रिकॉशन ले सके आपको लेना चाहिए, डेफिनेटली अलर्ट तो रहना चाहिए और जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट इश्यू कर रही है डेफिनेटली उसको फॉलो करें। मास्क पहनना इवन इफ कंपलसरी नहीं किया है गवर्नमेंट ने, बट आपका खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको होने से बचाएं और आप खुद से मास्क पहने ताकि ये और स्प्रेड ना हो। जब और जगह फैल रहा है तो अपने इंडिया में खतरा तो है ही ना, तो इससे पहले हम पहले ही इससे सुरक्षा करें इसकी, और जब हम लगाएंगे तो हमें देख के और लोग भी लगाएंगे। खास बात यह भी है कि विदेश से आने वाले लोगों का रैंडम टेस्ट शुरू हो चुका है जबकि पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक देश में 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन लग चुकी हैं, हालांकि बूस्टर डोज लेने वालों का आंकड़ा कम है। पहला बूस्टर डोज लेने के बारे में देयर आर यू नो वेरी क्लियर रूल्स इन प्लेस है कि यदि आपने इन्फेक्शन का हिस्ट्री नहीं है, दो डोसेस लिए हैं तो पहला बूस्टर डोज कब लेना है। यदि दो डोसेस के बाद आपको बीच में इन्फेक्शन हो गया है तो फिर आपको बूस्टर डोज कब लेना है, तो वो सारे गाइडलाइंस इन प्लेस हैं, वो लेनी चाहिए। एक बात और जानने वाले कि ओमिक्रॉन के लिए भारतीयों में पहले ही हाइब्रिड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। चीन में तबाही मचाने वाले वेरिएंट भारत में ज्यादा असर नहीं दिखा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।